हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर साध्या। ओहो, लुक एट द शोर। ओह माय गॉड, थोड़ा सा और हो जाता तो मज़ा आ जाता है भाई का। हाँ तो मैं एक बार और बोल देती हूँ। दिस व्लॉग, यार इसमें से पता चले छिपकली निकल के आ जाए या सौंप ही निकल के आ जाए भाई, ऊपर खुला भी पड़ा है। हाँ तो दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर साध्या माई सब्सक्राइबर फ्रॉम पाकिस्तान। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिस व्लॉग में मैंने अपने प्यार प्यार सब्सक्राइबर्स का नाम लिया था, वो व्लॉग उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी एक व्लॉग बनाओ। तो ये व्लॉग उन्हीं के लिए और किसी के लिए नहीं, ठीक है। ट्राइपॉड लेके आते हैं, फिर करेंगे बहुत सारी क्रम्बलिंग, क्योंकि उसी के लिए आए हैं। हमारे हाथों में हो रही थी खारिश। और क्या कहना चाहती हूँ मैं, बहुत कुछ बताना आज तो, ठीक है। और एक मेरी और सब्सक्राइबर है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, और उनको चाहिए कि रेड डॉट की वीडियो, तो जी हम ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर हो सकेगा तो अभी व्लॉग में भी क्रम्बलिंग कर देंगे। लास्ट जो व्लॉग था ना भाई, मैंने पक्का ही सोचा था कि भाई मैं थकूंगी, तो हुई नहीं। ये देखो, इसमें मैं ये पीसेस करके चली गई थी भाई। इस बार ही देखो ज़्यादा ही हार्ड लग रहे हैं। मैं आ गई हूँ सबसे पहले मुंह उठा के इसके पास, पर मुझे लगता नहीं है इसके क्रम्बलिंग होने के आसार हैं। अभी बनाने मुझे बहुत सारे न्यू टेक्सचर्स, ऑल्सो फॉर द न्यू ईयर, जो यहाँ ASMR कम्युनिटी में न्यू है। और कुछ ऐसे भी लोग जो प्रॉपर तो तामझाम नहीं कर सकते, बट उनको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए टेक्सचर बनाना है, पर वो बना नहीं पा रहे। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे आके पूछते रहते हैं कि आपने ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया। सो डोंट वरी, एक ऐसा टेक्सचर आपको बताऊँगी जो कि मेरे पास तो है ही नहीं, और उसमें आपको ज़ीरो एफर्ट करने होंगे, ज़ीरो एफर्ट। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, मर्ड होगा, या उसको हमें सेटिस्फैक्शन रिलीफ नहीं होगा, हमारा कचरा सा टेक्सचर बन जाएगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं खुद बताऊँगी दो तीन टेक्सचर। अगर जो आप पूरा तामझाम वाला सिस्टम नहीं कर सकते, तो आप वो करो। अबे यार यार, ये हार्ड कैसे होगी। हाँ तो आप वो करो और आपको मज़ेदार टेक्सचर मिल जाए, ठीक है। डेली व्लॉग तो हमारे साथ दे ही रही है। अबे भाई आज क्या हो गया इनको, देखो शाम में नहीं क्रम्बल होते। अभी 5:30 कुछ बज रहे हैं, इनकी डेली लगा के सुबह क्रम्बल करूँगी, एकदम मस्त हो जाएंगे। दूर मत रहो जाके, दूर मत रहो, हम कहीं और चलते हैं। कौन सा टेक्सचर क्रम्बल कर सकते हैं, इस पे आ जाते हैं। चलो ये छोड़ो, उस पे चलते हैं। इतने दिनों से पड़ा बेचारा ये टेक्सचर, ना इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना कुछ, तो आज इसको ही ना भेज देते हैं व्लॉग में। गरम हुआ पड़ा पूरा टेक्सचर, गरम, ठीक है। भाई ये तो नीरा ही डस्टी है, थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड। कल मैं शाम को आई, शाम को मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तो मैं रेड डॉट का तामझाम करके गई हूँ, जो बहुत टाइम से नहीं किया था, और एकदम ही मेरे अंदर जागा कि मुझे तो रेड डॉट बनानी है। फिर मैं बहुत लेट गई, बहुत लेट। एक तो मज़ा आ जाता है ना जिस काम में, फिर मैं उसको आसानी से छोड़ती ही नहीं, और उस काम में आ रहा था मुझे मज़ा करने में बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग व्लूग बनाऊँ कुछ, छोड़ो इतना तामझाम है व्लॉग बनाने में, ठीक है। अपना कर दिया, मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, कुछ बड़ा धमाकेदार ही आने वाला होएगा।
ये वाली शेप रखते हैं, ये वाली शेप देखो एकदम प्रॉपर बनी है, पर ये वाली ना हवा से खराब हो जाती है, वो हो रही है, डोंट नो व्हाई। जो कह रही थी ना खूब सारी क्रबलिंग किया करो व्लॉग में, तो वो खुश हो जाएंगे आज। इधर बैठती हूँ, इधर डस्ट आ जाती है, उधर बैठती हूँ उधर डस्ट आ जाती है। क्रबलिंग करो तो दिल खोल के, वरना छोड़ो परे। अब होली भी आने वाली है, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ जब मैं सोच रही थी ना कि मार्च का महीना शुरू हो गया अब तो होली आने वाली है, तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं सोच रही थी यार अभी तो बहुत टाइम है, और मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि होली भी आने वाली है, मैं भूल ही गई एक तरह से। फिर कल मुझे याद आया कि यार होली है, क्योंकि बाजारों में ऐसी रौनक लगी हुई है, ऐसी रौनक लगी हुई है, तब मुझे याद आया अरे होली तो आज क्या 21 तारीख या 25 तारीख की होली है, 25 की, हाँ 25 की, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरे पे धूल धूल आ गई है। चलो जी चलते हैं यहाँ पे। कल मैं बता दूँ मैंने कैसे क्रशिंग करी, कल जो मैं इतने दिनों से बस क्या कर रही थी, टेक्सचर क्रश कर रही थी और शेप्स में डाल के रख रही थी, क्रश कर रही थी शेप्स में डाल के रख रही थी, तो मैंने पहले उसको शिफ्ट किया, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत कच्ची सी ब्रिक पड़ी हुई थी, मेरी नज़रों में एकदम ही आई वो, मैंने कहा यार इसको क्रश कर दूँ, उसको तोड़ा मैंने, ठीक है, थोड़ा उसको क्रश किया, पानी में डिप करके रखा, फिर तोड़ा, फिर उसको क्रश किया, फिर उसको इतना वो डिप थी, तो मैंने जो पुराना टेक्सचर इतना सारा मेरे पास खट्टा हो गया था जो कि मैंने क्रश करके रखा था, तो उसको शिफ्ट किया, जो बारीक वाला शिफ्टर है उससे उसको शिफ्ट करने के बाद जो पाउडर बचा वो रख लिया अलग से, और जो इतनी सारी ग्रिटीनेस बची हुई थी उसको रखा अलग से, फिर उसको और पिसा, ठीक है। वो अब उधर का मामला है, अब यहाँ का मामला ये है, ये जो टेक्सचर था ना मेरा, इसमें मैंने डाला पानी, पानी डाल के मैंने एक्स्ट्रा जो पानी था निकाल दिया, बस इसको इतना करा कि गिल्ला हो जाए, फिर इसको पूरे में ऐसे फैला के, और ये पूरी ग्रिटीनेस थी और थोड़ा बहुत टेक्सचर भी था, कुटा हुआ टेक्सचर ही था, पर वो शिफ्ट नहीं कर रखा था, वो अलग था जो शिफ्ट करा था, इसको मैंने पानी में डाल के रखा और पूरे में ऐसे बिछाया और उसको कुटा, इतना ज़्यादा कुटा, मेरे पास छोटी वाली ब्रिक है उससे, मुझे लगता है कुछ तो इसमें पाउडर बना ही होगा, और पाउडर है क्या झाड़ू की सींग करके, ठीक है, और पाउडर बहुत सारे बना होगा, जो बड़े बड़े चंक्स थे वो छोटे हो गए होंगे, तो अब मैं इस वाले को नहीं शिफ्ट करने वाली, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगी, और जो शिफ्ट कर रखा है वो उधर रखा है, चलो मैं उधर भी दिखा देती हूँ भाई। इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है ना क्रशिंग में, पूछो मत, देखो। और हाँ कूट के अब टेक जो ब्रिक थी ना, फिर एंड में उसको थोड़ा ऐसे पीस के भी गई हूँ कि भाई इसको कल करूँगी, ठीक है। और वो कहाँ है मेरा जो मैंने कुट्टा था, जो मैंने शिफ्ट करके रखा था ना, वो कहीं और पड़ा अभी, मतलब मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। हाँ ये कुछ और है, तो उसको और ये पता है वो है जो मेरी रेड अर्ट में से निकला था, इसको तो बिल्कुल क्रश करने का मन नहीं करता, तो मैंने इसको कूट रखा है, और ये कूटते कूटते मुझे मिल गया, इससे इतनी ज़्यादा अच्छी क्रशिंग होती है, बिल्कुल चटनी पिस जाती है टेक्सचर की, एकदम ऐसे ऐसे करके रखा, ऐसे 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 ऐसे, बढ़िया क्रशिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब इतना ही बताना था, फिर अभी करती हूँ ब्लॉग ख़त्म करके क्रशिंग, कल अगर जो रिक्वेस्ट आई क्रशिंग के तो क्रशिंग करेंगे, इतना इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं।
प्योर सैंड की फ्लोर क्रम्बलिंग की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो फ्लोर क्रम्बलिंग मैं अभी कर देती हूँ आपके लिए, वीडियो जब आएगी आएगी। यार बहुत ये ड्राई हो चुकी है, दिख रहा है कि नहीं, मेरे पैर दिखते, पहले तो पैर हटाऊं। जिस हिसाब से वेट था ना, फिर भी थोड़ी सॉफ्ट शेप बन गई है। क्रम्बलिंग करना भूल गई हूँ, सॉरी, मैं एक मिनट के लिए भूल गई थी मैं। रेड डॉट की वीडियो की रिक्वेस्ट है, अगर जो उनकी भी ऐसी होती ना, कर देनी थी मैंने। भाई आपके लिए क्रम्बलिंग करके पता चले कि टेक्सचर हार्ड हो गया, थोड़ा सूझबूझ से क्रम्बलिंग करनी पड़ेगी अब इसकी। डस्टी तो रज के है, इसकी वीडियो के लिए कौन कौन एक्साइटेड है प्लीज़ कमेंट करके जाना, उतनी जल्दी मैं फिर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। इस टेक्सचर का तो ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या करना है अब। मैं क्या करूँ, ये भूख रही है तो। इस टेक्सचर के साथ प्ले करने में कितना मज़ा आएगा, क्योंकि एकदम सॉफ्ट है। इसकी खुशबू ना, वाह क्या खुशबू है भाई। इसका जो वो काला काला है ना, अब मुझे नहीं पता वो ऑयल है या चारकोल है, जल के चारकोल बन गया है, वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें मैंने ना, मेरे पास जो वो मटका तोड़ के, गुल्लक तोड़ के जो रेड डॉट बनाई थी ना, मैंने इसमें वो पूरी ऐड कर दी, पूरी। अब जिसको गुल्लक, मैंने अपनी पूरी पिगी बैंक, इतना बड़ा मेरा मटका गुल्लक, मिट्टी वाली पिगी बैंक, उसको क्रश करके टेक्सचर बनाया था। जिसने नहीं देखा तो सर्च करो गुल्लक समथिंग समथिंग, कुछ भी कर देना, आ जाएगा अनशुदा इसमार, ठीक है भाई। ऐसा टेक्सचर ब्लॉग में रंबल करने में कितना मजा आए, ठीक है। होली के इतने, होली पास आ गया, अब इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनानी है मैंने, इतनी बढ़िया बढ़िया कि बस मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, देख के कि वाह कितनी बढ़िया टेक्सचर बनाती है यार, ये वीडियोज़ बनाती है। मैं तो सोचूँ बहुत कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि भगवान ने टाइम पर याद दिला दिया कि होली आ रही है, कोई सेलिब्रेशन वीडियो बनानी है, उसकी तैयारी कर लें, ठीक है। होली तो इतनी मज़े से खेली जाएगी, पर आप लोगों को भी फुल एंटरटेन किया जाएगा, फुल। इसके पास मैं गलत बैठ गई आज, ठीक है। कल के व्लॉग में मैं सोचूं ये पूरी बकेट क्रम्बल कर दूं मेरी प्यारी सी जो सब्सक्राइबर है उनके नाम से, ठीक है। ये टेक्सचर भी ड्राई हो ही गया, किस्म से टूट ना जाए ना, हाँ हो गया। इतनी हवा चल रही थी जब मैंने बनाया, कितनी बार बोल चुकी हूँ, हवा 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 हवा। चलो जी, बाय बाय।